एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। यस, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा थालपोस लेकर आए हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमें कोई बड़ा सा थालपोस बनाना बताएं छठ पूजा के लिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। रमज़ान के लिए बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि रमज़ान में बड़ा सा थालपोस यूज़ होता है, तो आज हम आपके लिए डिज़ाइन लेकर आए। बहुत ही नया डिज़ाइन है, बहुत सरल है। अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है आराम से आप इसको बना सकते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। और कैमरे में हो सकता है ये छोटा है लग रहा है, बट काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपके कॉमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर किया करें मेरी वीडियो। और एक बात, हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी फ्री में सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बाद में जब पैसे जाने लगेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसके लिए हमने दो कलर की कलर लेने हैं, तो आप अपने पसंद के कोई भी कलर ले सकते हैं। फर्स्ट कलर हमने ले लिया है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। 11 नंबर के क्रोशिया हुक हमने यूज़ किया है। सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे। देखिए, 2 हो गई, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने 3 चेन बनानी है, 1, 2, 3। अब देखिए जो रिंग है ना, रिंग बनी है, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, वापस इसके अंदर डालेंगे, 3 हो जाएंगी। अब देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, तो देखिए जो बल लेकर, देखिए बल लेकर इसमें डालकर 2-2 करके जो फंदे निकालते हैं उसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। देखिए, बल लेकर पहले ये 2 फंदे निकाले, फिर ये 2 निकाल दिए, फिर बल लेकर इसमें 2 निकाले, फिर ये 2 निकाल दिए, फिर बल लेकर फिर से देखिए 2-2 करके। जब भी मैं बोलूँ ना कि डबल क्रोशिया बनाना है, तो आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। और हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग में। 18 डबल क्रोशिया के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें वीडियो पर और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो 18 डबल क्रोशिया के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। 18 डबल क्रोशिया के बाद इसको फर्स्ट वाले में ज्वाइन कर दिया, एक फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। सेकेंड रो में देखिए क्या करेंगे हम, बहुत सरल है, मैंने जैसा आपको पहले बोला था ना, बहुत सरल है। तो सबसे पहले 3 चेन बना के सेम इसी जगह हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। सेम इसी जगह हमने एक और बनाना है, ये 2 डबल क्रोशिया एक चेन में बन गया है, ठीक है। अब इसके पास वाली चेन में देखिए 1 डबल क्रोशिया, वापस इसी जगह फिर से एक और बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके पास वाली चेन में 2 बनाएंगे हम, 1 और 2। तो इस रो में हमें क्या करना है, जितनी भी चेन है सब में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो बनाने के बाद दिखाएंगे आपको, जितनी भी चेन है, 18 चेन है ना, सब में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे। वैसे हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे थालपोस बना रखे हैं, मोती वाले तोरण बना रखे हैं, झालर जिसको बोलते हैं, स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। समथिंग हमारी 600 वीडियो अपलोड हैं। काफ़ी सारे लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, बहुत सारे लोगों को। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड रो पूरी कर ली, अब फिर से 3 चेन लेके 1 चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना लिया, इसके पास वाले में 1 बनाया है, ठीक है। फिर इसके पास वाले में 2 बनाएंगे, 1, 2, फिर इसके पास वाली चेन में 1 बनाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 में 2 बनाना है। देखिए इसमें 2 बनाएंगे, 1, वापस इसी जगह एक और बना लिया, ठीक है। फिर इसके पास वाली चेन में 1 बनाएंगे, इसमें, फिर इसके पास वाली चेन में 2 बनाएंगे। तो बस ऐसे ही हमें 1 चेन में 1 बनाना है और अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो ये 3 रो हमने बना ली हैं टोटल। अब हम फूल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे सबसे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 चेन बना के इसको घुमाएंगे। देखिए 27 चेन बना के इसको रॉन्ग साइड से घुमाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर हम देखिए एक दो तीन चार पांचवी चेन में डाल के इसको सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हम इसके पास वाली चेन में डालेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद इसके पास वाली चेन में डालेंगे और इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे यहाँ बनाएंगे, ये दो सिंगल क्रोशिया के बाद इसके अंदर हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। टोटल 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। पंद्रह हाफ डबल क्रोशिया के बाद एक दो दो चेन लेके फिर से देखिए एक दो तीन, फिर से हम 15 बनाएंगे, 15 बार बनाएंगे। ये देखिए 15 हमने फिर से बना ली, ये देखिए, ठीक है, 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी, अब 15 फिर से बना ली। अब इसको देखिए हम कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए 15 बनाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके पास वाली चेन में डालकर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट वाले में डालेंगे एक इस तरीके से फंदा, यहाँ पर हम देखिए इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे, एक इस वाले में डालेंगे इस तरीके से फंदा निकाल दिया, एक इसके पास वाले में किया, दो तीन और ये चार। अब चौथा फिर से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, फिर से हम 27 चेन लेकर इसको घुमाएंगे। अब जो हमने यहाँ पर चार चेन छोड़ी थी ना, तो ये देखिए फर्स्ट वाले में ये चार चेन है, फर्स्ट वाले में डालेंगे इस तरीके से, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही डालना है, और सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से, या स्लिप स्टिच भी बना सकते हैं, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले में डालकर ये सिंगल क्रोशिया एक बनाया, सेकंड वाले में डालेंगे इसमें एक बनाएंगे, ये दो सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसको घुमा के फिर से हम इसके अंदर 15 बनाएंगे, एक दो 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए तीन। तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे कहते हैं, जो देखिए बल लेकर इस तरीके से डाल के सारे फंदे एक साथ निकाल देते हैं उसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं, ठीक है। तो 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए 15 बनाने के बाद एक दो दो चेन ले ली, ठीक है, इस तरीके से बना लिया। आप फिर से 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेने के बाद फिर से बनाना है हमें, दो चेन लेने के बाद फिर से 15 बनाएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच 15 बनाएंगे हम। तो ये देखिए बनाने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, 15 हमने फिर से बना लिए, दो बन गई हैं। अब इसको फिर से ज्वाइन करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, इसके पास वाली चेन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया, चार बनाएंगे हम, दो तीन स्लिप स्टिच बना रहे हैं हम, और ये चार। अब यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करेंगे, चार के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फिर 27 हमने चेन बनाई है, 27 चेन बना ली हैं। फिर इसको घुमाएंगे और जो चार चेन हमने छोड़ी थी, तो बीच में सबसे फर्स्ट वाली चेन में डाल के हम सिंगल क्रोशिया को ज्वाइन करेंगे, जैसे अभी हमने किया था। में डाल के देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे यहाँ पर, सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए फिर से हम 27 चेन बनाएंगे, और जैसे हमने अभी पत्तियां बनाई हैं सारी पत्तियां हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमने जो दो चेन हमारी बच गई थी
तो वहाँ पे हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, जब आप बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए चेन बनाई है, दो चेन इधर की थी, दो इधर की थी, हमारे पास चार चेन थी, हमने 27 चेन बनाई थी और यहाँ पर लाके इसको ज्वाइन कर लिया था बीच में। फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट किया, दो चेन लेके फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये फूल हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो पत्तियाँ बनी है वो देखिए कितनी हमने बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो हो सकता है आपकी चेन ज़्यादा हो तो आप एक दो चेन, जैसे हमने चार चेन का स्पेस दिया तो आप पांच चेन का दे दें, बट आपको 12 पत्तियां बनानी है। ठीक है, तो ये 12 हमने बना ली हैं। अब देखिए बहुत सरल है, इसके आगे क्या करना है। अब इसके आगे हम येलो कलर की ऊन का यूज़ करेंगे, आप अपनी पसंद की कोई भी कलर की ऊन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने येलो कलर की ऊन को ज्वाइन करना है। तो ये जो पत्तियाँ बनाई हैं, इसमें जो दो चेन का स्पेस दिया है ना, इसमें पहले ऊन को बांधेंगे और तीन चेन बनाएंगे। फिर देखिए चेन को काउंट किया तो एक हो गई हमारे पास, दो डबल क्रोशिया हो गई, तीन डबल क्रोशिया, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये 12। ये देखिए हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, इस तरीके से 12 डबल क्रोशिया के बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो 1, 2, 3 तीन चेन बना के दूसरी पत्ती लेकर इसके अंदर देखिए हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन लेंगे, 1, 2 वापस इसी जगह 3, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम तीन चेन बनाएंगे यहाँ पर, 1, 2, 3। अब इस वाली, इसके पास वाली पत्ती को लेकर इसमें बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर 1, 2, 3 तीन चेन ले ली। ठीक है, तो एक में हमें 12 डबल क्रोशिया बनाना है, एक में हमें इस तरीके से बनाना है। फिर से देखिए तीन चेन बनाएंगे हम, और यहाँ पर पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 ये देखिए 2 और ये 3। तीन डबल क्रोशिया के बाद तीन चेन, फिर से तीन चेन बनाएंगे हम, 1, 2, 3 फिर से 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है तीन तीन चेन लेकर। तो बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने पूरी रो बना ली है। अब हम क्या करेंगे, जो 12 डबल क्रोशिया बनाया है इसमें पहले बीच में लेकर स्लिप स्टिच किया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तीन चेन, 1, 2, 3। अब इसको एक डबल क्रोशिया काउंट किया, इसके पास वाले में डालेंगे हम बीच में, यहाँ पर 2 हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके पास में यहाँ पर बनाएंगे 3, 4, 5, 6 बीच में डाल के बनाना है। ठीक है, 7, 8, 9, 10 और ये 11। इस तरीके से हमें बनाना है। पहले 12 डबल क्रोशिया थी, अब हमारे पास 11 हैं, बीच में हम जब बनाएंगे तो 11 रह जाएंगी। ठीक है, फिर से तीन चेन बनाएंगे यहाँ पर, 1, 2, 3। अब जो
इस जो बनाया ना इसके अंदर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, एक दो, फिर से 3 बनाएंगे इसमें। फिर से 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये 3। ठीक है, इस तरीके से बना लिया, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा आप देख लें, ऐसे ही बनाना है। फिर से 3 चेन बनाएंगे हम, एक 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो बीच में डाल के बनाना है, ये बीच में डालेंगे एक, फिर इसके पास वाले में बनाएंगे, बीच में डाल के बनाना है, ये दो होंगे देखिए, फिर इसके पास वाले में डालेंगे, 3 हो जाएंगी। इस तरीके से हमें 11 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से फिर से 3 चेन, इसमें पहले 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से 3 बनाएंगे, ठीक है, फिर से 2 चेन और फिर 3 बनाएंगे। बस ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है, फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। पूरी रो बन गई है ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, फिर से बीच में लेकर आगे, फिर से 3 चेन बना ली, ठीक है, और 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर देखिए इसके पास वाले में बनाएंगे, 2 हो जाएंगी, यहाँ बनाएंगे 3 हो जाएंगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट 10। ठीक है, 12 से हमने स्टार्ट किया था, फिर 11 हो गई, अब 10 हो गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारे फंदे कम होते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए तीसरी रो में हमारे पास 10 हो गई हैं। अब हमने 3 चेन लेकर अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर 2 चेन, फिर से 3, इस तरीके से। अब फिर से हम देखिए, एक दो, 2 चेन लेके यहाँ बनाएंगे 3, दो चेन और फिर से 3 बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनेगी। ठीक है, फिर से 3 चेन बनाएंगे हम और ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरी रो बन गई है, अब क्या करेंगे, फिर से हम बीच में लेकर आ गए, यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, इसको एक काउंट किया, फिर इसके पास वाले में बीच में डालेंगे, 2 हो जाएंगे यहाँ पर, फिर इसके पास वाले में बनाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो गई हमारे पास। ठीक है, 12 से हमने स्टार्ट किया था, फिर 11, 10, 9, इस तरीके से लास्ट तक हम एक रह जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, पहले 3 डबल क्रोशिया,
दो चेन और तीन डबल क्रोसिया। ठीक है, अब बीच में देखिए क्या करेंगे हम, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद यहाँ पर बीच में देखिए क्या करेंगे, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन लास्ट चार, चार डबल क्रोशिया के बाद फंदा निकालेंगे, फर्स्ट वाले में डालेंगे हम और इस बड़े से फंदे को इसके अंदर से निकाल दिया तो ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने तीन चेन ले ली, इसको ना पॉपकॉर्न स्टिच बोलते हैं। अब तीन चेन लेके यहाँ पर पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, ठीक है, फिर से हम दो चेन इसे तीन डबल क्रोशिया बना लें। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब फिर से तीन चेन लेकर बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेके यहाँ पर बनाएंगे नौ डबल क्रोशिया, तो यहाँ से एक दो ये, फिर से तीन चेन हमने ले ली, तो इसी तरीके से पूरी रो हमारी बनेगी। फिर आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, सिंपल है, जब आप बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। अब पूरी रो बनाने के बाद फिर से हमने तीन चेन यहाँ पर बना ली, इसके पास में डालेंगे, दो डबल क्रोशिया हो जाएंगी, यहाँ बनाएंगे तीन, ठीक है, ये तीन हो गई, चार पाँच छ सात और ये लास्ट आठ, देखिए आठ डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमें तीन चेन बनानी है, ये देखिए। ठीक है, फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और यहाँ पर इसको बनाएंगे पहले, फिर से तीन चेन, एक दो तीन, अब यहाँ पर बनाएंगे चार डबल क्रोशिया, इसको फर्स्ट वाले में डालकर बड़े से फंदे को इसके अंदर से निकाल दिया तो एक पॉपकॉर्न हमारा इधर बन गया। फिर एक दो तीन, तीन चेन लेके यहाँ चार बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ से निकालेंगे तो पहले हमारा एक पॉपकॉर्न था, अब हमारे पास ये दो हो गए। इस तरीके से हम यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा और जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हमारा डिज़ाइन कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास पहले एक पॉपकॉर्न था, फिर दो हो गया, इसके बाद तीन हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारा बढ़ता जाएगा और जो 12 डबल क्रोशिया बनाई है यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कम होता जाएगा। ठीक है, इसको हम बंद करेंगे, एक रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बढ़ जाएगा, एक था फिर दो है, अब इसके अगली रो में तीन हो जाएंगे, फिर उसके अगली रो में चार हो जाएंगे, फिर पाँच, इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बढ़ेगा और यहाँ पर कम होगा। तो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना बना लिया है और लास्ट में हमारे पास एक रह गया था, 12 से करते करते एक रह गया था, इतना बड़ा ये बन गया है। अब यहाँ पर हम ऊन को कट करके झालर बांधेंगे, तो ऊन को काटना है आपको, जितनी भी लंबी झालर बांधनी है काटना है, उसको बांध लेना है। कैसे बांधना है एक वीडियो हम
झालर अभी हमने बनाई है, तोरण बनाया है, उसमें हमने बांधना बताया है, तो उसका वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, रेड कलर की झालर है, इसमें जाके देख लें। तो इसको हमने बांध लिया, बहुत ही प्यारा सा थालपोस बन गया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, आप इसको ये कलर में भी बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, मुझे आपके कॉमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ एक बात और, आप मुझे ज़रूर बताएँ कि अगला वीडियो में क्या लेकर आऊं, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, आप लोग जो बोलेंगे उसके साथ। तो जब तक आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, बाय।